we have a new member. Thank you, Adam. Hi, Murani ji. क्या हाल है आपका? गुड गुड गुड, आप कैसी हो? एक मिनट है, आवाज आ रही है? सही, हेलो। जी, आ रही आ रही है। कहाँ कहाँ घूमते अच्छा फिरते रहते हैं भाई, आप? मेरा काम ही है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम है मेरा, तो मेरे तो गाड़ी में ही होता है सारा अच्छा काम। घर पे तो बहुत कम ही होता हूँ मैं, और जब अच्छा मैं गाड़ी में क्या होता हूँ कहें? तभी ऑफिस में आते हैं। हाँ है? मुझे आप ये बात बताइए, पैसे वसूल हुए आपके कि नहीं आज का शो देख के? अरे जबरदस्त। मैं अच्छा, मैं इसीलिए मैंने बोला था, मुझे लो हाँ मसाज कराने गया था, फुल बॉडी मसाज, और गेस व्हाट, अच्छा, लड़की पाकिस्तानी पंजाबी थी, फुल बॉडी नेकेड मसाज, बोलो। और सुनो मेरे पाकिस्तानी भाइयों और उनकी बहनों, मैंने उनका रेप नहीं किया कोई, ठीक है? आपके मुल्ला मौलवी होते तो छोड़ते मान लीजिए उनको, बताओ मुझे आप। नहीं वहां नहीं, वहां नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, आप ऐसे जाके मसाज पार्लर में जाइए, किसी का रेप थोड़ी कर सकते हो। वो तो खुद ही हैप्पी एंडिंग नहीं देते हैं नहीं आपको, राइट? एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली तो वहां तो एग्जैक्टली इनको पता है, एग्जैक्टली इन्होंने रेप किया तो इनकी गांड ठुक जाएगी, जाएंगे जेल नहीं, में। मगर वहां तो यू कहने हैव का हैप्पी एंडिंग ना, तो उनको करने की क्या जरूरत है? दे आर ऑलरेडी गेटिंग अ रिलीज, सो दे डोंट हैव टू डू इट। हाँ, मगर दूसरे राइट राइट हाथ राइट वगैरह, दूसरे रेप करने में पीछे नहीं होते। ये रेप यहाँ भी करते हैं ये लोग, पीछे यू नहीं नो। है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसलिए मगर आला था कि मोरानी जी, मुझे मुझे एक बताना था बात इनको कि बताएं। भाई मैंने ना उसको कुछ, देखिए, आप लोग तो यार चले इंटरनेट जाते नहीं हो आ रहा मसाज फिर। पार्लर में, नहीं नहीं आ रही है, आप लोग तो चले जाते हो मर्द। ये औरतों के लिए क्यों नहीं है कोई मसाज हाँ पार्लर? नहीं, क्यों नहीं, मैं अपनी वालदा को ले जाता हूँ, अपनी बीवी को ले जाता हूँ, क्या मसला है? ओ अजीज मोरानी जी, मैं हैप्पी एंडिंग की बात कर रही हूँ। वो हैप्पी एंडिंग थोड़ी दे रहे होंगे और आपकी मम्मी को। मैं तो उसकी नहीं, बात उनको कर तो रही मैं हूँ। लेडीज से हमें तो कोई हैप्पी कहा एंडिंग नहीं, हमको हर जगह से वी गेट द शॉर्टर एंड ऑफ स्टिक। हमारे लिए कोई ना नहीं सर्विस ना कुछ, लाइक व्हाट द हेल इज दिस? मर्दों, तुम अच्छा लोग कोई मसाज पार्लर वगैरह खोलो हम लोगों के लिए भी। दैट इज ब्यूटीफुल गर्ल, ऑफ कोर्स शी इज, यस। अच्छा सुनो मालिज, मैंने ना इस लड़की को, उसका नाम है मलिका, मैंने तुम्हारा उसको चैनल दिखाया है, मैंने कहा तुम इसको ऐड करो, इससे बातें करो, तो देखो वो ऐड करती नहीं करती आपको, तो बस ये कहना था। सारी लड़कियां, चार पांच लड़कियां नहीं, सारी देसी थी पंजाबी, सब कर रही थी, कोई मसला नहीं है इनको, तो नहीं कोई नहीं, नहीं मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं ऐसी भी लड़कियों को जानती हूँ जो अडल्ट फिल्म्स, अडल्ट उसमें काम करती है। भाई देखो, अगर कोई औरत या कोई भी लड़की है वो अपनी मर्जी से कर रही है ना, देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अभी हमने एक्चुअली एक मैंने स्ट्रीम करनी है, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, पोर्न स्टार्स होते हैं, इन सब लोगों पे करनी है, क्योंकि हमारे देसियों की ना दिमाग बड़ा गंदा होता है। और बड़ा जैसे कि गंदा। आजकल मुझे बड़ा ट्रोल किया जा रहा है ना, वो जो लोग इतने हाँ रिलीजियस लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, मगर वो मुझको कह रहे हैं कि भैया आप राज कुंद्रा की उसमें आ क्यों नहीं आते, क्योंकि मेरा एक स्टैंडर्ड है। राज कुंद्रा बना रहा था बी ग्रेड मूवीज, मेरा स्टैंडर्ड है, मैं आप लोगों के पास आके क्यों काम करूं? मैं अपना खुद बना रही हूँ, मैं दलाल क्यों रखूं बीच में? तुम लोगों को तकलीफ यह है कि मैंने दलाल नहीं बात रखा है बीच में, यू नो। है। अच्छा चले, थैंक यू मोरानी जी, और कुछ चले, कहना अच्छा चाहेंगे आप? सुनो सुनो, एक बस मैं एक जोक सुना रहा हूँ, 2 मिनट का है, फिर मैं जाता हूँ, मैं रिवाइंड करके देख रहा हूँ आपको। अच्छा जोक ये है जी, प्लेन में एक तोता और मौलवी साहब बैठे होते हैं, ठीक है ना, फ्लाई कर रहे होते हैं, दुबई जा रहे होते हैं, तो फ्लाइट जब उड़ती है तो तोता जो है ना बड़ा चालाक सा होता है, हरामी टाइप का होता है, तो तोता जो है ना सीटियां मारता है एयर होस्टेस को, तो एयर होस्टेस पीछे मुड़ के घूमती देखती किसने सीटी मारी है, तो देखती है तोते ने मारी है, तो इग्नोर करती चले जाती है। इस तरह 2-3 मरतबा करती है, मौलवी साहब देख रहे होते हैं, यार मौलवी साहब का दिल खराब हो रहा था, यार ये सीटियां मारा इसको कुछ नहीं करती, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो जी उस मौलवी साहब ने सीटी मारी ना, तो एयर होस्टेस आए ने रख के चमाट दे दिया ना प्लेन में उसको, समझे ना, तो फिर वो अजीब हो गया, भाई ये तोता सीटियां मार रहा है उसको कुछ नहीं कर रही है, मुझे जो है वो चमाट मार दी आगे इसने। इस तरह 2-3 मरतबा हुआ ना, तो वो एयर होस्टेस परेशान हो गई, पायलट के पास गई, बोली मैं अभी भी नौकरी छोड़ती हूँ, क्यों भाई क्या हो गया? भाई इन दोनों पैसेंजर को यहाँ से निकालो वरना मुझे निकालो, खत्म। तो पायलट कहता है ठीक है, इसको जो ना दरवाजा खोलो और बाहर से फेंक दो, और फ्लाइट ही है 25,000 फुट बुलंदी पे है, अब मौलवी साहब पाकिस्तानी ही होते, अच्छा सही है ना, और तोते को दोनों को फेंक दिया ऊपर से। तो जी मौलवी साहब तोते को कहते हैं, अब इमेजिन के प्लेन से नीचे जमीन पे आ रहे हैं हवा में, तो तोता कहता है कि वो मौलवी साहब कहते हैं मरवा दिया ना, देखा प्लेन से फेंक दिया, अब क्या करेंगे, मर गए, मरवा दिया तूने। तो तोता कहता है आप हो कहाँ से? बोला मैं पाकिस्तान से हूँ। क्यों? बोला हाँ ठीक है, जब उड़ना नहीं जानते हो ना तो लड़कियां मत छेड़ा करो, फिर मैं तोड़ जाऊंगा। चले जी चले, आप चले, अगले थैंक दूसरे कर यू लीजिए। सो मच। चलिए भाई, वैसे तोते होते बड़े, वैसे हम लोगों के पास पाकिस्तान में एक तोता होता था,
मेरा बाप भी बड़ा, क्या बोलूं, बस बड़ा था वो भी बंदा। किसी ने हमारे हमको तोता दिया बेबी सिटिंग के लिए, तोता सिटिंग के लिए, तो वो किसी पठान का तोता था। तो वो बैठे, मेरी वहां बहन वो नहीं होती, पॉटी होती थी, वहां बैठी थी, उसका पिंजरा भी वहां होता था। ओ क्या पश्तों में गालियां देता था, ओए दबा के दबा 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 गालियां देता था वो। और फिर जब लड़कियां आती थी ना, मेरी मम्मी की फ्रेंड्स आती थी ना, उनको ऐसी सीटियां मारेगा, मिट्टू पुटर मिट्टू पुटर मिट्टू पुटर। वो जब बेचारा पठान वापस लेने आया ना, मेरे बाप ने कहा वो तोता उड़ गया, झूठा, कह रहा तोता उड़ गया, और वो तोते को रख लिया अपने पास।